खरगोन जिले के कसरावत में मां नर्मदा को स्वच्छ करने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर उम्र के लोग जागरूकता फैलाने के लिए जतन कर रहे हैं। लोग पर्यावरण प्रेमी बन सके और मां नर्मदा को स्वच्छ रख सके। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक शहर निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ 12 बुजुर्ग नर्मदा परिक्रमा साइकिल से कर रहे हैं। यात्रियों ने बताया कि करीब 3500 किलोमीटर की यह यात्रा उन्होंने एक महीने में पूरी करने का लक्ष्य रखा है। बुजुर्गों ने बताया कि मां नर्मदा को स्वच्छ रखने और पूरे विश्व में खुशहाली के लिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। मंगलवार सुबह जब साइकिल यात्रा कसरावत से खलघाट की ओर रवाना हुई तो कसरावत के जय स्तंभ चौराहे पर नागरिकों द्वारा इनका स्वागत किया गया। कसरावत तहसील से अकील खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं कर्नल शिव नारायण मिश्रा, अपने 12 साथियों के साथ, जो कि सभी सीनियर सिटीजन और वृद्ध हैं, और हमारे में श्री मुकुंद ओक जी हैं जिनका 72 साल उम्र है, वो सबसे वयोवृद्ध है, और सभी सीनियर सिटीजन पोते वाले हैं, नाती पोते वाले हैं। हम लोग नासिक से नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले हुए हैं। साइकिल से नर्मदा परिक्रमा हम पूरी करेंगे 3500 किलोमीटर की लगभग एक महीने के अंदर। और हमारा जो मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है, वो स्वच्छ नर्मदा हम सबकी जिम्मेदारी, हमारी सभी की, और विश्व में सभी लोग फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, और सभी एक दूसरे का ध्यान रखें और स्वच्छता फैलाएं। क्या नाम है आपका? मैं कर्नल शिव नारायण मिश्रा। आप लोग कहाँ से आए हो? नासिक से। कहाँ जा रहे हो? नर्मदा परिक्रमा के लिए। कहाँ कहाँ से आएंगे आप किधर से? ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट हो गई और हम पूरी परिक्रमा करके फिर ओंकारेश्वर करके फिर नासिक से। अच्छा, साइकिल से है आपकी यात्रा? साइकिल से यात्रा ओंकारेश्वर से करो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।